नमस्कार किशन भाई, मैं सौरभ प्रधान। मैं वियनर नर्सरी में पिछले 8 सालों से एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट यहाँ पे कार्यरत हूँ। और आज वियनर मधुर सीताफल के बगीचे में हस्त परागण कैसे करते हैं, आज आपको हम लोग ये करने की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाते हैं। कल शाम को जो हम लोगों ने पराग निकालने के लिए फूल तोड़े थे, उससे आज हम लोगों ने पराग निकाल चुके हैं। अब ये पराग निकालने के बाद अब आइए देखते हैं कि कौन से फूल को परागण करने के लिए हम लोग कैसे चूज करें और किस तरीके से ये परागण करें, आपको आइए दिखाते हैं। ये जैसे हस्त परागण करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि टूथपिक का जो डिब्बा आता है उसमें से हम लोगों ने पोलन एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पर रख दिया है। इस तरीके से कैमलिन का एक ब्रश आता है जिससे हॉर्स टेल ब्रश भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्स टेल से बनता है। तो इस तरीके का ब्रश लेकर आपको यहाँ पे हल्का सा डुबोना है। हल्का सा थोड़ा सा अगर पराग लग गया तो बहुत ही, इसमें इस तरीके से पराग लगा के फिर जैसे कल हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि जो हल्का सा खुला हुआ जो फूल है वैसा ही फूल आज चूज करके फिर इस ब्रश को इस तरीके से एक राउंड यहाँ पर घुमा देना है। अब हम लोग इसमें पोलिनेशन हुआ नहीं हुआ ये पहचानने के लिए इस तरीके से हल्का सा आधा पेटल इसका तोड़ के रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे अगला पोलिनेशन जब भी होगा तो इस फूल फिर से दोबारा पोलिनेट ना हो, तो ये पहचानने के लिए हम लोग एक बार उसको तोड़ देते हैं। हस्त परागण करने का सबसे अच्छा समय रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक में आपको ये हस्त परागण का प्रक्रिया ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को एक सजेशन देता हूँ कि कभी भी वियनर मधुर सीताफल में अगर आप हस्त परागण करते हैं तो उस दिन का ह्यूमिडिटी कम से कम 70-80% रहे। अगर आपका फूल रेडी हो गया है, आपका हार्वेस्टिंग रह गया है, लेकिन आज के दिन पे आपका 60-70-80% ह्यूमिडिटी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्प्रेयर लेना है। आपने जैसे अभी हम लोगों ने दिखाया था हस्त परागण कैसे करें, वो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 2 स्प्रे ऐसे फूल पे मार दीजिए, तो वो उसके माइक्रो क्लाइमेट में 70-80% ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देगा फूल में और आपका अच्छा फ्रूट का सेट हो जाएगा। तो आज का दिया हुआ ये जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्पफुल रहे, और अगर इसमें कोई आपको डाउट्स होता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू या हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे साथ आप लिंक कर सकते हैं और आप उसके क्वेश्चन का आंसर्स मिल सकता है। थैंक यू।